नमस्ते नमस्ते होम किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बना रहे हैं आलू बड़ा। आलू बड़ा बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में ऑयल ऐड करेंगे गर्म होने के लिए। फिर आलू लेंगे, आलूओं में नमक, काला नमक, आमचूर पाउडर, काली मिर्ची, प्याज और हरा धनिया, लाल मिर्ची, इन सबको आलूओं में ऐड कर लेंगे। फिर इनको सबको मिक्स करके मैश कर लेंगे, मसाला बना लेंगे आलू बड़ा के लिए। सभी को एक साथ आलूओं में ऐड करेंगे और फिर मैश कर लेंगे। हमारा मसाला बनके रेडी है आलू बड़ा के लिए। अब इसमें से हम थोड़ा थोड़ा आलू का मसाला लेंगे, हाथों की सहायता से गोल गोल करेंगे। जितने हमको गरम चाहिए उतने आलू बड़ा को गोल कर कर रख लेंगे। हमने आलूओं को गोल गोल बना लिया है आलू बड़ा के लिए। अब एक बाउल में बेसन ऐड करेंगे। अब उसमें मसाला ऐड करेंगे, लाल मिर्ची, नमक, हरा धनिया, अजवाइन, इन सबको बेसन में ऐड कर लेंगे। अब इसमें हम धीरे धीरे पानी को ऐड करेंगे, धीरे धीरे डालेंगे, एक साथ नहीं डालना है। हमारा बेसन का घोल रेडी है बनके आलू वड़ा के लिए। हमारा तेल गरम हो चुका है। अब इसमें हम आलू वड़ा डालेंगे एक एक से। ये देखिए, चम्मच की सहायता से डाल रहे हैं। आप अगर हाथ से डालो तो हाथ से भी डाल सकते हो कढ़ाई में आलू बड़ा को। अब इनको उलट पुलट कर देंगे। एक तरफ से हल्के से फ्राई हो चुके हैं, अब दूसरी तरफ से भी हल्के से हो जाएंगे और गैस को मीडियम कर देंगे। धीरे धीरे से उलट पुलट करते रहेंगे बीच बीच में। हमारे आलू बड़ा दोनों साइड से एक से फ्राई हो जाए। अब फिर से उलट पुलट करेंगे। हमारे आलू बड़ा फ्राई होने को हो गए। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। फ्राई हो चुके हमारे आलू बड़ा। अब इनको हम हरी चटनी के साथ सर्व करेंगे। अगर आलू बड़ा की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने नहीं किया है वो भी कर लीजिए सब्सक्राइब।